हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर डूम के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मुझे रूमर ये मिले हैं कि मार्वल स्टूडियोज़ का प्लान है कि वो इंट्रोड्यूस कराए लूसिया वॉन बर्डर्स को। तो फिलहाल तो ये रूमर है, लेकिन बहुत जल्द सच हो सकता है। और ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि लूसिया वॉन बर्डर्स को अगर दिखाते वो लोग, तो मेरे तरीके से वो लोग एक तरीके से सेटअप कर रहे हैं डॉक्टर डूम के लिए फेस 4 में। क्योंकि ये रूमर जो मिला है उसके मुताबिक तो मेरे को ये लग रहा है, तो वो लोग फर्स्ट सेटअप कराएंगे लेटवेरिया को डॉक्टर डूम के डेब्यूट के पहले, जैसे कि हमारे ब्लैक पैंथर के साथ हुआ था, आयरन मैन 2 में शायद, और एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें वकांडा टीज किया गया था। तो वैसे फेस 4 में लेटवेरिया को टीज किया जाएगा, फिर डॉक्टर डूम को मैदान में उतारा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है रूमर जो मिले उस मुताबिक मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस बता के बता रहा हूँ। और वैसे भी आप लोगों को बताइए कि मार्वल स्टूडियोज़ को अगर किसी इंट्रोड्यूस कराना होगा तो उसका पहले बैकग्राउंड ठीक करता है फिर बताता है। तो ये तो कुछ समझाने वाली बात नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक मतलब एग्जाम्पल दे देता हूँ, मेरे पास था तो मैंने दे दिया आप लोगों को। तो उम्मीद है जल्दी इंट्रोड्यूस कराए, मैंने जिसका भी नेम लिया उसको, फिर डॉक्टर डूम को भी इंट्रोड्यूस कराए जल्द। मज़ा आएगा देखने में, देखते अब कितना कॉस्मिक साइड जाता है। ये कॉस्मिक साइड तो नहीं था, ये अपना अर्थ साइड था, लेकिन देखना है मुझे कि एमसीयू अब कितने कॉस्मिक साइड में जाता है एमसीयू की फ्यूचर में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रूमर भी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।